बाबर आजम भी जरूर सोचते होंगे कि जिन प्लेयर्स पे उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, उन्हीं प्लेयर्स ने बाबर आजम की कमर में छुरा घोंपा, उन्होंने बाबर आजम से गद्दारी की। खासकर चार नाम मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, पहला नाम इसमें जो है वो इफ्तखार अहमद का है। इफ्तखार अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेके आने वाले बाबर आजम थे जब मिसबाह-उल-हक कोच थे, और बाबर आजम ने उन पे इतना इन्वेस्ट किया कि 4-5 साल में तकरीबन हर वनडे मैच, हर T20 मैच बाबर आजम ने उनको खिलाया और हर नंबर पे उनको ट्राई करके देखा। यहाँ तक कि स्पिनर के खिलाफ जो उनकी वीकनेस थी उसको कवर करने के लिए उनको फिनिशर में कन्वर्ट किया। लेकिन जितनी भी टफ सिचुएशन आई उनमें भी उनको भेजा ताकि वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, लेकिन वो पाकिस्तान को कभी जितवा नहीं सके। उसके बाद इफ्तखार अहमद ने क्या किया, इफ्तखार अहमद ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद शोएब जाट को एक इंटरव्यू देते हुए अपनी नाकामी का मलबा बाबर आजम पे यूं करके गिरा दिया कि बाबर आजम मुझे प्रॉपरली इस्तेमाल ही नहीं करते, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो एक बंदा जिसके ऊपर बाबर आजम ने इतना इन्वेस्ट किया है वो जाके बाबर आजम को ब्लेम कर रहा है कि बाबर आजम मुझे सपोर्ट नहीं करते। और फिर इस वनडे T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी उन्होंने बाबर आजम के साथ बहुत फीका रवैया रखा, बहुत रूठे रूठे बिहेव किया और कभी उनको बेचारे प्लेयर सपोर्ट नहीं किया इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो उन्होंने बाबर आजम के साथ इस लिहाज से गद्दारी की कि बाबर आजम उनको लाने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, मगर वो बाबर आजम को बैक करने की बजाय बाबर आजम के ही टांगे खींचने में वो मसरूफ रहे। उसके बाद जो दूसरा नाम इसमें आता है वो मोहम्मद हारिस का है। देखिए, मोहम्मद हारिस को बाबर आजम ने फखर जमान को बाहर बिठा के 2022 के T20 वर्ल्ड कप में चांस दिया था और फिर वो एक आधी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली भी, मगर उसके बाद भी उन्हें मुसलसल चांस दिया गया। इवन के PSL में पिशावर जलमी के लिए जो कोटा ग्लैडिएटर्स ने डील ऑफर की थी कि आप साइन दे दें, आप असीबुल्ला दे दें और हारिस दे दें, आपसे नसीम शाह ले रहे, तो बाबर आजम ने यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए इनको नहीं दिया, इवन नसीम शाह मिस कर दिया। हालांकि नसीम शाह अगर जलमी में आते तो उनका इन तीनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा इम्पैक्ट होता है, मगर बाबर आजम ने इनको बैक करने के लिए सिर्फ ये डील एक्सेप्ट नहीं की और हारिस को, साइम को, रसीबुल्ला को उन्होंने कोटा ग्लैडिएटर्स को नहीं दिया। लेकिन हारिस ने जब वर्ल्ड कप में टीम में सिलेक्ट नहीं हुए तो हारिस ने क्या किया, हारिस ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, अभी 2024 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, और उसमें उन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो बैटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल डिफेंसिव शॉट्स बार बार खेल के ऊपर लिखा हुआ है टुक टुक और बैटिंग हार्ड। यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिर्फ वो प्लेयर्स कामयाब होते हैं जो टुक टुक करते हैं और मैं भी अब टुक टुक करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तेज खेलने की तो कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली वो बाबर और रिजवान को टारगेट कर रहे थे कि ये स्लो खेल के रन कर लेते हैं और टीम में जगह पक्की कर लेते हैं। तो बाबर आजम जिन्होंने उनको इतना बैक किया उनके खिलाफ इस तरह की स्टोरी इंस्टा पे लगाना ये भी बड़ी हैरान कन बात थी और ये नहीं करना चाहिए था। और एक वक्त में उन्होंने बाबर आजम को इंस्टा पे अनफॉलो भी कर दिया, बाद में जब क्रिटिसिज्म आया तो दोबारा फॉलो किया। तो हारिस जो है वो भी बाबर आजम के अगेंस्ट हुए हुए हैं हालांकि बाबर ने उनको इतना बैक किया। तीसरा नाम इसमें हारिस रऊफ का है। हारिस रऊफ जब 2023-19 का वनडे वर्ल्ड कप होना था और सरफराज कप्तान थे तो वहां पे एक पेसर ले जाना था, तो हसनैन और हारिस रऊफ में टाई थे, ये दोनों PSL सेंसेशन थे, एक को सिलेक्ट करना था तो सरफराज ने हसनैन को सिलेक्ट किया था, मगर जब बाबर आए तो वो उन्होंने हारिस रऊफ को वो लेके आए और हारिस रऊफ को बजाय बार बार बहुत ज्यादा रन खाने के डेथ ओवर्स में कई दफा उन्होंने मैच नहीं जितवा सके, जैसे 2022 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ मैच, एशिया कप 2022 का हार्दिक पांड्या के खिलाफ जो उन्होंने आखिरी ओवर किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनको बैक भी किया, मुसलसल चांसेस भी दिए, मगर हारिस रऊफ वो पहले शख्स थे जिन्होंने 2023 के एशिया कप के ड्रेसिंग रूम में बाबर को खड़े होकर ये कह दिया था कि तुम्हें कप्तानी करना नहीं आती। तो अपनी नाकामी का मलबा उन्होंने कप्तान पर डाला था और एक बदतमीजी के स्टाइल में उन्होंने बाबर आजम से ये बात की थी, और उसके बाद मुसलसल वो बाबर आजम के साथ उनका जो रवैया है वो बड़ा एरोगेंट और बड़ा मिसबिहेव करते रहे हैं वो बाबर आजम के साथ। चौथा नाम जो इसमें है, और भी नाम है लेकिन वो दूसरी कैटेगरी के हैं। चौथा नाम जो है वो नवाज का है। नवाज को बाबर आजम ने इतना क्रिटिसिज्म सहा, इमाद वसीम को नहीं रखा, नवाज को खिलाते रहे, क्रुशल मौकों पे उनको बैटिंग भी दी, बॉलिंग भी दी, वो डिलीवर नहीं कर पाया। अब इस दफा उन्हें नहीं खिलाया तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में सारी नाराजगी का मलबा बाबर पे गिरा दिया कि जी मुझे होना चाहिए था और मुझे ना रख के ज्यादती की गई वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो तीन चार नाम है जैसे शाहीन अफरीदी का नाम है, इमाद वसीम का है, मोहम्मद आमिर का है, उनका भी बाबर के साथ जो रवैया रहा है मुनासिब तो नहीं रहा, लेकिन उनके तो चलो अपनी भी एक स्टोरी है कि बाबर ने कुछ हमारे साथ भी ज्यादतियां की हैं, तो वो तो फिर टू वे एक एक बहस है या एक शिकवे शिकायतें हैं। मगर ये जो चार प्लेयर्स का मैंने जिक्र किया ये तो वो है जिनसे बाबर ने कभी कोई ज्यादती की ही नहीं, मगर ये फिर भी बाबर आजम पे दिल गिरफ्ता है और उन्होंने बाबर आजम को हमेशा अपने इंटरव्यूज में तनकीद का निशाना बनाया है।